رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا سل يا أتى محمد السلام عليك يا السلام عليكم guys क्या हाल है आप सबके. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे. हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. और इस वक्त जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको वार्मली वेलकम. और हमारी ये सवारी निकली है बगदल शरीफ दरगाह जाने के लिए. और ये मौसम देखिएगा आप लोग, इतना प्यारा और इतना सुहाना है ना कि बारिश, हल्की हल्की सी बारिश ना कंटिन्यूसली है. जब से हम लोग गांव पहुंचे हैं ना, तब से लेकर अभी तक ना बारिश तो कंटिन्यूसली है, नॉन स्टॉप. और जब गांव में आप बारिश में सफ़र करते हैं ना, तो मौसम तो बहुत ज़्यादा सुहाना और प्यारा लगता है, क्योंकि हरियाली भी होती है और बारिश भी होती है, तो हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है. लेकिन ना जब हम लोग रोड पे से गुजर रहे थे ना, कहीं कहीं गड़े रह रहे थे, तो हम लोग को पानी की वजह से दिख रहे नहीं थे, तो वहाँ पे भी थोड़ी मुश्किल आ रही थी. तो इसी बात को जहन में रखते हुए ना, मेरे सारे ही जितने भी देखने वाले भाई हैं ना, वो लोग को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ना आप लोग जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ही एहतियाती के साथ गाड़ी चलाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश हो या फिर कुछ भी हो, आप लोग को तो जॉब के लिए निकलना ही पड़ता है. तो बहुत ही एहतियाती के साथ रोड पर गाड़ी चलाइएगा और इत्यादि के साथ वापस आइएगा. ज़्यादा पानी जहाँ पे भी है ना, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाइएगा. तो बस यही कहना था. और उसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे रास्ते में ना एक तालाब दिख गया था, जो कि इतना ज़्यादा फुल हो गया था ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي इनको ना गाड़ी देख के और ऐसा से चलाने के लिए बोल रहे थे, तो ना बिल्कुल स्लो कर दिए गाड़ी और ऐसा देख रहे थे, एकदम सीट पे से उठ के ना देख देख के चला रहे थे. तो ना ये नौटंकी हमेशा चलनी चलनी है इनकी. तो खैर अच्छा भी दिखता है, रौनक भी बढ़ती है इस तरीके से हंसी मजाक जब फैमिली के साथ होता है. तो एनीवेज, तो यहाँ पे रास्ते में हम रुक गए थे और यहाँ से ले रहे थे फूल मिठाई वगैरह. अच्छा तो देखो यहाँ पे हम लोगों को भुट्टे भी मिल गए उबले हुए, जो कि इतने मज़े के दिखते हैं ना, स्पेशली बारिश में बहुत ही यम्मी मज़े के. इवन भुने हुए भुट्टे भी अच्छे दिखते हैं, लेकिन उबले हुए ना और भी ज़्यादा मज़ा आता है इसे खाने में, क्योंकि शायद खाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं, यानी मेहनत नहीं लगती ना. भुने हुए जो भुट्टे होते हैं ना, उसमें थोड़ा दांत थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है उसे खाने में. कैसा खा रहे आप, जल्दी जल्दी देखो. और कोनू ना ये इस वक्त सो रहे थे, इसलिए कोनू को नहीं मिला भुट्टा. अब ये वीडियो देख के शिकायत करेंगे. ये मेरी ननन है साथ में, मैं हूँ और मेरी मदर इन लॉ भी है. खैर पूरी फैमिली है हमारी माशाल्लाह से. और ये देखिए दरगाह शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है और हम लोग करीब बहुत ज़्यादा पहुंच भी गए हैं. बारिश अभी भी वैसे ही है नॉन स्टॉप. और यहाँ पे कोनू को देखिए, ये सो रहे थे, तो इन्हें सोने के बाद ना जैकेट टोपी पहना है इनको. पहले तो इन्हें पहनने से रहे होशियार, अगर रहेंगे ना तो फिर पहनते भी नहीं. तो बस हम लोग पहुँच गए हैं घर बोल रही थी मैं, घर नहीं दरगाह. और जब तक हम लोग पहुंच रहे थे ना, एग्जैक्टली मगरिब की अजान हो रही थी, तो फिर ये लोग दौड़े दौड़े पहुंच गए और फिर हम लोग भी गए अंदर. तो लेडीज़ के लिए सेपरेट से रूम है नमाज़ के लिए, तो सुकून से हम लोग यहाँ पे अदा कर दिए. और दरगाह में ना हज़रत नहीं थे फ़िलहाल, कहीं बाहर गए हुए थे. तो तब तक ना मिले हैं और अवार्ड्स मिले हैं ना, वो सारी पोस्टर शेयर करती हूँ. तो ये 2013 में ना नेशनल अवार्ड मिला था प्राइम मिनिस्टर के हाथ से, नरेंद्र मोदी के हाथ से.
और ये आपको डिटेल पढ़ना हो ना तो पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा बेस्ट फार्मर अवार्ड मिला था 2013 और 14 के बीच में। ये कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर है सिद्धरमैया, और ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर का मिला था जो कि 2018 में मिला था। हाँ, और उसके अलावा ये हज़रत की चेयर है, वो हमेशा यहीं पे बैठते हैं, और हज़रत को ना एक्चुअली दिल्ली जाना था इसलिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में थे, तो हम उनसे सिर्फ मिनिमम बात हुई उनसे, लेकिन मुलाकात हो गई है, वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई देख के उनको। बस अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई है, और अब हम लोग ना रिटर्न घर की तरफ निकल गए हैं, और इस वक्त तकरीबन टाइम 10:30 बज रहे थे जिस वक्त हम लोग निकले थे, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है, पानी भी मतलब बारिश भी हो रही थी, तो बस कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर सकूँगी मैं रास्ते में। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ, आप लोग इजाज़त दीजिएगा, आप लोग को वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।